ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। हम कह दिए इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 4000 बोला गया। इविका दीदियां बताइए, कोई किसी को कुछ बोलने आता था? आप जानते हैं हम पूरे जगह घूमते हैं और सब जीविका दीदियों से हर जिला में मिलते हैं। आप कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करती है। अब आप सोच लीजिए कि 1,31,00,000 से भी ज्यादा अब महिलाएं कितना बढ़िया हो गई, लड़कियां कितना अच्छा पढ़ने लगी। तो ये सब काम जो हम करवा रहे हैं तो भूलिएगा कोई इधर उधर करके आपको, तो याद करिए कि जो काम हुआ। हरा दीजिएगा हम लोग नहीं रहेंगे तब फिर अपने न कमाने लगेगा जी। सरकारी पैसवा से कोई काम नहीं करेगा, अपना ही कमाता अपने पास रखता रहेगा, कोई काम आप लोगों का नहीं करेगा। अब आज देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का विकास होता है। इसलिए कभी भी जो हमारे उम्मीदवार है यहां से अब इधर उधर कोई करना चाहता है, एक वोट मत दीजिएगा, अब भारी मतों से जिताइएगा। और केंद्र में भी काम हो रहा, दो बार हो गया 10 साल, अब अगली बार भी फिर केंद्र में अपनी सरकार ही रहेगी और कितना बढ़िया काम होगा। तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए अब बिहार में तो सबको जितवाइएगा, एक को नहीं छोड़िएगा। अब आप लोगों के लिए जो काम हो रहा है, नवादा के लिए भी सब काम किया हमने, कोई चीज छोड़े नहीं है, कितना काम कर दिया है पूरे तौर पर। और आप जानते हैं वर्ष 2022 में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा और कल्याण छात्रावास का भी निर्माण किया गया। नवादा सदर रजौली सिरदल्ला में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ, अनेक काम करवाया गया। और जहां पर हम हैं यहां पर भी अनेक काम किया, पथों का, पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी सारा काम। तो कोई भी क्षेत्र को हम लोग इग्नोर नहीं करते। और वारसलीगंज में 98 करोड़ रुपए की लागत से 2 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया है, साथ ही 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया। आप जानते ही नहीं कि अब हम लोग हर घर नल का जल, बिजली, सब तरह का काम जो हम लोगों ने करवा दिया, एक एक तरह का जो कुछ भी, शौचालय का, हर तरह का काम करवा दिया ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। आप सोच लीजिए पहले कहां था, बाहरे घूमते थे, अब बाहर से कुछ पानी ला करके लोग खाते थे, अब बोलिए कितना खराब रहता था। अब बाहर पखाना में जाते थे सब खराब होता था, अब हर घर में सब कुछ करा दिया। तो एक एक काम होने से कितनी सुविधा हो गई, तब भूलिएगा मत, याद करिएगा, कहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हम जब आए तो 18 साल, तो जो बेचारा 18 साल तक का है वो तो कभी देखा नहीं ना है नए साल वाला, तो याद करेंगे। अब 18 साल के बाद तो फिर भूटे ना रहिएगा, तो इसलिए भूलिएगा मत, याद करिए। हम तो नई पीढ़ी को और सब बाकी लोगों को भी कहेंगे कि अपने परिवार को ठीक से, और सब बैठी हुई हैं महिलाएं दीदियां, याद करिएगा। आप परिवार में एक एक को बताइएगा, सबको अच्छी तरह से एक एक चीज, चाहे कोई जाति के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, सब लोगों को जरूर बताइएगा कि कितना ज्यादा काम किया गया है। तो हम तो आपके इलाके का भी आज समय समय पर घूमते न रहते हैं, एक एक जगह जब कोई घटना घटती है सब कुछ देखने के लिए आते रहते हैं, तो भूलिएगा मत।